अस्सलामुअलैकुम माई YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें, आमीन। वेलकम बैक टू नौरीन शोएब्स चैनल। आज देखें, बहुत ही मज़े की रेसिपी है, हर घर में बनाई जाती है और सभी तकरीबन इसको पसंद करते हैं। जो कि घर में जब दाल पके और वो बच जाए तो उसके साथ क्यों ना बनाए जाएँ दाल वाले पराठे। देखें, इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो चाहिए मेथी, सूखा धनिया, ज़ीरा, गरम मसाला और नमक। ये हमने ले लिया है, आटा ले लिया है और आटे के अंदर हम डालेंगे ये मसाले और साथ में डालेंगे मैदा और हरी मिर्चें कुटी हुई। ये देखें, हरी मिर्चें हैं, मैदा है और ये हमारे मसाले हैं। ये हम डालेंगे सबसे पहले मैदा, अब डालेंगे मसाले, आपने अपनी क्वांटिटी के मुताबिक डाल लेने। और अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चें और मेन इम्पोर्टेंट इन्ग्रीडियंट वो है दाल। तो अब हम डालेंगे एक कटोरी भर के इसमें दाल की। मैदा डालने से पराठे बहुत ही मज़े के बनते हैं, लाजमी ट्राई कीजिएगा। देखिए, हमारे पास दो कटोरियाँ थी, हमने दोनों ही डाल दी दाल की। अब इनको पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता पानी जो होगा तो उसके साथ लगा के इसको गूंद लेंगे। ये देखें, बहुत मज़े के लगते हैं, स्पेशली योगर्ट और इमली की चटनी के साथ, आलू बुखारे और इमली की चटनी के साथ बहुत मज़े के लगते हैं। ये इस तरह से हम आटा गूंद लेंगे हल्के हल्के हाथों के साथ। और मैंने एक बुक पढ़ी थी, उसमें था कि आप ना अपनी ज़िंदगी में जो गोल सेट कर लें वो अचीव करने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन आपने अपने माइंड को उसके मुताबिक सेट करना है और पॉजिटिव रहना है। ये सोचना है कि बस ये चीज़ तो हमने अचीव करनी ही है और इसके लिए हम ट्राई कर रहे हैं और वो ज़रूर इंशाल्लाह आपको मिलेगी। ये देखें, अब मैंने उसी तरह जो आटा गूंदा था उसके छोटा सा पेड़ा लिया और उसको बेल के रोटी की तरह ही हम उसको पका लेंगे अब, और इसको डालेंगे तवे पर। ये देखें, बिल्कुल वैसे ही जैसे रोटी का पराठा बनता है वैसे ही बनेगा। ये देखें, अब हमने इसको तवे पर डाल दिया। जब इसकी एक साइड हल्की सी पक जाएगी तो दूसरी साइड पलट के अब इसके ऊपर हम डाल देंगे घी। घी वाले पराठे बनाएंगे, बहुत मज़े के बनते हैं। ये देखें, आपकी मर्ज़ी है देसी घी डालें, आपकी मर्ज़ी है दूसरे घी डालें, जो भी अवेलेबल हो। ये इस तरह से बहुत ही मज़े के बनते हैं पराठे, खा के देखें, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियोस पसंद आएँ तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा लें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ये अब हम पराठे पका कर एक दूसरे के ऊपर रखते जा रहे हैं और साथ साथ सबको आवाज़ दे रहे थे कि ताज़े पराठे खा लें। और ये आलू बुखारा इमली की चटनी है, ये योगर्ट है और ये पराठा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, अगर आपने आलू बुखारा इमली की चटनी लेनी है, ऑर्डर करनी है, तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।